नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों सलाम बॉम्बे फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले तीन जरूरी बातें जो आपसे करनी है, उसमें से सबसे पहली बात तो ये कि मेरी कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते काफी समय से इस चैनल पर कोई भी रिव्यू अपलोड नहीं हुआ है। दूसरी सबसे जरूरी बात ये कि आज जिस फिल्म का हम रिव्यू करने वाले हैं सलाम बॉम्बे, इस फिल्म के लिए हमें रिकमेंड किया था हमारे सब्सक्राइबर राहुल विनल नारायण जी ने, जिनका हृदय से बहुत बहुत आभार। बिल्कुल राहुल जी, ये एकदम अलग तरह की फिल्म है, एक अलग तरह का क्राफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस फिल्म के बारे में हमें सजेस्ट किया। इसके अलावा मॉनसून वेडिंग का भी रिव्यू करने की हम जल्दी ही कोशिश करेंगे। तीसरी दोस्तों सबसे जरूरी बात ये कि कुछ लोग इस चैनल से नए भी जुड़े हैं। आप सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ समय में आपने जिस तरह कमेंट्स में अपना फीडबैक दिया, अपनी सलाह दी, अपनी राय दी, वो हमारे लिए बेशकीमती है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं सलाम बॉम्बे फिल्म का, जिसे मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं शफीक सैयद, रघुवीर यादव, नाना पाटेकर और अनीता कंवर। दोस्तों पहली बात, इस फिल्म को 11 मई 1988 में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और उसके बाद 7 अक्टूबर 1988 को इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। दोस्तों क्या है इस फिल्म की खास बात, जानेंगे इस मूवी रिव्यू में, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी को एस्टेब्लिश किया गया है कृष्णा नाम के एक 13 से 14 साल की उम्र वाले लड़के से, जो एक सर्कस कंपनी में काम करता है। कृष्णा एक ऐसा लड़का जो एक दिन अपने भाई के स्कूटर को जला देता है। बदले में कृष्णा की मां कृष्णा को मारती है और घर से इस शर्त पर निकाल देती है कि जब तक कृष्णा 500 रुपए कमा कर नहीं लाएगा, तब तक वो घर में वापस नहीं आ पाएगा। और दोस्तों इसी तरह कृष्णा को कृष्णा की किस्मत पहले सर्कस में काम करने वाला एक बाल मजदूर बनाती है और उसके बाद मुंबई पहुंचने पर कृष्णा को नाम मिलता है चाय पाव। मुंबई पहुंचने पर कृष्णा से चाय पाव बने कृष्णा की मुलाकात मुंबई में कई लोगों से होती है, जिनमें से एक है मुंबई के फुटपाथ पर रहने वाला लड़का चिल्लम, जो कई तरह के छोटे बड़े काम करने के साथ साथ बाबा जैसे ड्रग डीलर से ड्रग्स लेकर लोगों को बेचता है। दोस्तों कृष्णा, चिल्लम और बाबा के साथ साथ इस फिल्म में हमें एक और कैरेक्टर दिखाई देता है, जो कि एक 15 से 16 साल की लड़की है, जिसे वैश्यावृत्ति के दलदल में जबरदस्ती ढकेल दिया जाता है। पूरी फिल्म में इस लड़की के असली नाम का हमें पता नहीं चल पाता और हम इस लड़की को सिर्फ 16 साल के नाम से जानते हैं। दोस्तों बाल अपराध, यौन शोषण, नशा और बाल मजदूरी जैसे सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म की कहानी में क्या घटनाक्रम घटता है, क्या कृष्णा यानी चाय पाव कभी अपने घर वापस लौट पाता है या नहीं, क्या चिल्लम कभी नशे की दुनिया को छोड़ पाता है या नहीं, कैसे 16 साल की ये लड़की एक समय तक संघर्ष करने के बाद परिस्थितियों से समझौता कर जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है, और अंत में क्या होता है बाबा नाम के ड्रग डीलर का, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इस फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड ही थे और इन्हीं बच्चों में से एक थे शफीक अहमद, जिन्होंने इस फिल्म में कृष्णा का कैरेक्टर प्ले किया था। और शफीक ने जितना इनोसेंट होकर अपने कैरेक्टर को प्ले किया है और जिस तरह वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और डायलॉग्स को बोलते हैं, वो इतना शानदार है कि वो फिल्म के एंड में ऑडियंस के दिल में एक टीस और एक कसक तो छोड़ता ही है, साथ में हमारा सामना गरीबी और जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सवालों से भी कराता है जिसके शायद कुछ जवाब हमको मिल पाते हैं और कुछ जवाब हमें ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। और दोस्तों कुछ इसी तरह रघुवीर यादव, जिन्होंने इस फिल्म में चिल्लम नाम के लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका काम भी शानदार है, क्योंकि इस फिल्म में रघुवीर यादव और उनका किरदार चिल्लम के बिना ये फिल्म पूरी तरह से आधी अधूरी लगती है। क्योंकि जिस तरह चिल्लम के कैरेक्टर को इस फिल्म में और कहानी में रघुवीर यादव अपनी एक्टिंग से सेंटर पॉइंट बनाते हैं, वो वाकई तारीफ के काबिल है। एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिससे न सिर्फ फिल्म के किरदार जुड़ते हैं बल्कि ऑडियंस भी जुड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों नाना पाटेकर, जिन्होंने इस फिल्म में बाबा नाम के ड्रग डीलर का कैरेक्टर प्ले किया है, मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी की मां, जिन्होंने इस फिल्म में बॉर्डल ऑनर का कैरेक्टर प्ले किया है, और चंदा शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म में 16 साल लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है, और इरफान खान, जिन्होंने इस फिल्म में एक लेटर राइटर का कैरेक्टर प्ले किया है, इन सभी का काम भी तारीफ के काबिल है। दोस्तों अगर इस फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया है अपने जमाने के मशहूर वायलिनिस्ट लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने, जो आपको फिल्म देखते वक्त कब चाय पाव और चिल्लम की दुनिया में ले जाता है आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों इंडिया में लगभग 18 मिलियन चाइल्ड लेबर हैं और इसमें से 4 से 5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार से या तो पूरी तरह से दूर हैं या फिर बेघर हैं,
और हमारे देश के छोटे बड़े शहरों में ऐसे बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड और चाइल्ड लेबर कहलाते हैं, जिनकी गिनती सरकारी खातों में बहुत ही कम हो पाती है। और ऐसे ही सब्जेक्ट पर जब मीरा नायर ने ईयर 1988 में सलाम बॉम्बे फिल्म बनाई थी, तब एक रिसर्च के आधार पर हमारे देश में सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता जैसे महानगरों में ही लगभग 1,00,000 से ज्यादा स्ट्रीट चाइल्ड थे। और दोस्तों, जिस तरह का पिक्चराइजेशन हमें सलाम बॉम्बे फिल्म में देखने के लिए मिलता है स्ट्रीट चाइल्ड और चाइल्ड लेबर को लेकर, वो पूरी तरह से आज भी वास्तविक लगता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कभी आपको मौका मिले किसी स्ट्रीट चाइल्ड या चाइल्ड लेबर से बात करने का, तो आप बात करके देखिएगा, आपको आज भी ऐसा लगेगा जैसे वो बच्चा, वो बाल मजदूर इस फिल्म का ही कोई पात्र हो। हाँ, बस शायद शहर का नाम बदल जाए। तो दोस्तों, ये था सलाम बॉम्बे फिल्म का रिव्यू। वैसे काफी कुछ है इस फिल्म के बारे में दोस्तों बात करने के लिए, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है। इसके अलावा दोस्तों, मीरा नायर की एक और फिल्म क्वीन ऑफ कतवे का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये मूवी रिव्यू और वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने सलाम बॉम्बे फिल्म को देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो देखने के बाद मुझे जरूर बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।